चलो फोर्थ चैप्टर मैथ वन का ही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फोर्थ चैप्टर चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए 11th का स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले नहीं पता है, वो पहले करो एक्सपेक्टेड नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, आवाज नहीं। सेकंड लास्ट लास्ट यहाँ पे चुप बैठो। स्टार्ट करो, लिखो जल्दी। न्यू चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो फिलहाल तो 11th के फॉर्मूले हैं। अभी पहले फर्स्ट क्या था, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, कितने फॉर्मूले हैं, तीन है। कभी यूज़ करना है व्हेन एंगल इज गिवन, लाइन का एंगल दिया है। व्हेन एंगल इज गिवन देन एम स्लोप इज एफ, ठीक है, स्लोप को एम से लिख। सो स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है, अगर 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो स्लोप इज इक्वल्स टू 10 30। वैसे इफ लाइन पासिंग थ्रू, अगर दिया लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड बी -1, 2, ठीक है, फाइंड द स्लोप। या तो हम लोग को रिक्वायरमेंट है स्लोप फाइंड आउट करने की, फाइंड द स्लोप इफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड -1, 2। तो स्लोप कैसे आएगा, अभी ये जहाँ से पास हो रहा है इसको क्या कंसिडर करेंगे, x1 y1 x2 y2। सो स्लोप इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 / x2 - x1। सो y2 क्या है, 2 - y1 3
upon x2 minus 1 minus 2. So minus 1 upon minus 3 is 1 by 3. ठीक है, तो स्लोप मिलेगा. ये कभी यूज़ करना है व्हेन लाइन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट्स. अगर कोऑर्डिनेट्स पता है सो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. नाउ इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी. अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो और इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो इजी है. स्लोप क्या रहेगा, माइनस ए बाय बी. तो a क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए बाय बी मीन्स माइनस 4 बाय 3. समझा, इक्वेशन ऑफ लाइन को किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. सो ए क्या है 4 और बी क्या है 3. फॉर्मूला क्या है, माइनस ए अपॉन बी. सो माइनस 4 अपॉन 3. समझा, कितने फॉर्मूले हैं, व्हेन एंगल इज गिवन स्लोप इज इक्वल्स टू. ओए खड़ा, when angle is given slope is equals to, पढ़ने को नहीं आता पढ़ के बता, slope is equals to when line passing through the coordinates then slope is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. And if equation of line is in the form of ax plus by plus c equals to 0, then slope is equals to minus a upon b. तो जब भी सब लोग बोलते हैं तभी बोलने का, वहाँ पे नहीं देखने का, बैठो. स्लोप इज इक्वल्स टू एंगल रहेगा, स्लोप इज इक्वल्स टू बोलो tan theta. When line passing through the points, then slope is equals to y2 minus y1. Equation of line is in the form of ax plus by plus c equals to 0. Slope is equal to. ये रहेगा स्लोप, स्लोप मिलेगा. अभी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फोर फॉर्म्स है. फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म. अभी ये कभी यूज़ करना है, जब भी लाइन का हम लोग कोई भी मेथड से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो स्लोप दिया है डायरेक्ट, अगर दिया है स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप इज इक्वल्स टू 3 एंड लाइन पासिंग थ्रू ठीक है, अगर ऐसे दिया अ लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2. एक ही दिया रहेगा, दो नहीं दिया रहेगा. ठीक है, स्लोप दिया है एंड पासिंग टू द पॉइंट 1, 2. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. जो पॉइंट से पास हो रहा है उसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स वन वाई वन. ठीक है, जो पॉइंट से पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कंसिडर करना है, एक्स वन वाई वन. अभी सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस वाई वन इज टू इक्वल्स टू एम, एम इज 3, एक्स माइनस एक्स वन इज 1. So y minus 2 equals to 3x minus 3. So 3x minus y minus 3 plus 2 equals to 0. So 3x minus y minus 1 equals to 0 is equation of line when slope and point are given. ठीक है, ऐसे सब सम्स थे 11 में. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना था, स्लोप दिया रहेगा, पासिंग टू द पॉइंट दिया है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म. अभी सेकेंड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सी क्या रहेगा, वाई इंटरसेप्ट रहेगा. अभी ये वाई इंटरसेप्ट क्या रहता है, एक्स इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट क्या रहता है,
अगर मुझे प्लॉट करना है 3,0 एंड बी 0,4, ठीक है, तो मेरा 3,0 कहाँ पे रहे, यहाँ पे रहेगा, और 0,4 यहाँ पे रहेगा, ऐसे लाइन रहेगा। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, और ये डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे कितना है ये डिस्टेंस, 3, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना रहेगा, 3, और यहाँ पे डिस्टेंस 4, सो वाई इंटरसेप्ट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप पता है, तो क्या यूज होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी थर्ड, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए, लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा माइनस टू एंड 3,4, ठीक है, सो लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा माइनस टू एंड 3,4, सो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स मतलब क्या यूज होगा, टू पॉइंट फॉर्म। क्या फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अभी क्या है टू पॉइंट फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, क्या हाँ हाँ कैमरा ये आ रहा है, क्या टू पॉइंट फॉर्म क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, जो पॉइंट से पास हो रहा है उसको क्या कंसिडर करेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट करो सेकेंड लास्ट, हाँ करो रे, हाँ टू पॉइंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर, ये x1 y1 x2 y2 रहता है, x वैसे ही रहेगा, x माइनस x1 क्या है, y माइनस ऑफ माइनस टू, सो प्लस टू अपॉन 4 माइनस, फॉर्मूले का माइनस एंड कोऑर्डिनेट इज माइनस टू, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस टू, एक्स माइनस वन, 3 माइनस वन टू, वाई प्लस टू, 4 प्लस टू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू एक्स माइनस वन, 2 इंटू वाई प्लस टू 6x माइनस 6 2y प्लस 4 6x माइनस 2y माइनस 6 माइनस 4 6x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। कभी यूज करना है, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। फोर, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। a क्या रहेगा इसमें, x इंटरसेप्ट रहेगा एंड b इज y इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट पता है x y डिस्टेंस जो भी, सो x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ज़्यादा हम लोग ये और इससे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या क्या है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, कंडीशन क्या क्या है, व्हेन एंगल इज गिवन, सेकंड व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, थर्ड इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए कितने फॉर्म्स हैं, फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या दिया रहेगा, स्लोप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या है फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सेकेंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या रहेगा इसमें, स्लोप दिया रहेगा एंड वाई इंटरसेप्ट, क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। थर्ड
2.4. कंडीशन क्या है व्हेन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. क्या है टू पॉइंट्स? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस y वन अपॉन y टू माइनस y वन. लास्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जब भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता है तो फॉर्मूला क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन. लिखो स्टार्ट करो. लिखो जल्दी. चलो नेक्स्ट अभी है हम लोग का एक्सरसाइज में कंबाइन इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन. अभी यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो. ये इक्वेशन ऑफ लाइंस किया हम लोग ने. इक्वेशन ऑफ लाइंस से हम लोग को फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म. ठीक है, मतलब एक फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, एक सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, दोनों सेपरेट इक्वेशन है. सेपरेट इक्वेशन को u इक्वल्स टू जीरो एंड v इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में रखेंगे एंड कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू v इक्वल्स टू जीरो. कंबाइंड इक्वेशन का क्या है फॉर्मूला? u इंटू v इक्वल्स टू जीरो. अभी u क्या है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ये u इक्वल्स टू जीरो. सो u इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू v ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये क्या रहेगा? कंबाइंड इक्वेशन. सपोज मेरा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो. मतलब ये क्या है? u इक्वल्स टू v और u इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू जीरो. अब इसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो कंबाइंड इक्वेशन क्या है? u इंटू v इक्वल्स टू जीरो. u क्या रहेगा? 3x प्लस 2y एंड v इज 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो. समझा? तो फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन है सेपरेट इक्वेशन का. लिखो जल्दी, स्टार्ट करो. लिखो डिग्री ऑफ अ टर्म. द सम ऑफ द, लिखो डिग्री ऑफ अ टर्म. द सम ऑफ द इंडाइसेस, डिग्री ऑफ टर्म में लिखो द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स. द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म
is called the degree of the term. Example, x square plus 3xy minus 2y square plus 5x plus 2. अभी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे डिग्री क्या रहेगा? पावर इज 2, सो इसका डिग्री 2. यहाँ पे सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल 1 प्लस 1, 2. यहाँ पे भी इसका पावर क्या है? 2, इसका 1 और इसका 0. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा? x रेस टू 0 या y रेस टू 0 वैसे ही रहेगा. सो इसका क्या रहेगा? 0. सो ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अ टर्म. नेक्स्ट एक होमोजीनियस इक्वेशन. गर्ल्स चुप बैठो. नेक्स्ट होमोजीनियस इक्वेशन. बिकॉज में एन इक्वेशन An equation in which the degree of every term is same is called homogeneous equation. अभी यहां पे देखो, ये टर्म का डिग्री क्या है? 2. कोएफिशिएंट नहीं, पावर देखना है. 2. यहाँ पे 1 प्लस 1, 2. यहाँ पे पावर 2. पावर देखो 2 है, मतलब 3 टर्म्स है और तीनों का डिग्री सेम है. तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन, इन इक्वेशन, इक्वेशन. Find the combined equation. Combined equation is of 2 marks के लिए important है. Find the combined equation of the following pair of lines. भी combined दो equation दिया है. लाइन 1 का इक्वेशन दिया है, लाइन 2 का इक्वेशन दिया है. फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन. क्या था कंबाइंड इक्वेशन का? यू इंटू वी इक्वल्स टू 0. ये कौन से फॉर्म में? यू इक्वल्स टू 0 और ये वी इक्वल्स टू 0. अभी क्या फाइंड आउट करना है? कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? यू इंटू वी इक्वल्स टू 0. यू का वैल्यू क्या है? 0. यू एक्स प्लस 2y माइनस 1 यू इक्वल्स टू 0. सो यू क्या है? एक्स प्लस 2y माइनस 1 बी एक्स माइनस 3y प्लस 2. बस यू क्या है? एक्स प्लस 2y माइनस 1 एंड बी एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू के प्लेस पे, वी के प्लेस पे इक्वल्स टू 0.
अभी टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स वाई स्क्वायर प्लस टू टू ज़ार फोर वाई, अभी माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, अभी लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो गया, ये हो गया टू एक्स माइनस एक्स एक्स फोर वाई प्लस थ्री वाई सेवन वाई, नाउ रिमेनिंग द माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो इज कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन दिया था दोनों लाइन का और ये क्या हो जाएगा, कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। सेकेंड लास्ट का अच्छा फॉर्मूले के लिस्ट में और ऐड करो, ये अगर शायद तुम लोग को पता रहेगा तो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, याद है, अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इसका स्लोप 3/2 है तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा, 3/2, ऐड करो उसमें, स्लोप के नीचे लिखो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, हाँ बताती हूँ, पहले पैरेलल लिखो फिर परपेंडिकुलर बताती हूँ, अपोजिट साइड, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, सेकेंड व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिखो परपेंडिकुलर का भी लिखा तो लिखो, व्हेन टू लाइन सेकेंड पॉइंट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट हो गया, हाँ अभी सेकेंड, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 equals to minus 1 means product of their slope is minus 1. First point rahega when two lines are parallel then their slopes are equal, theek hai, aur second point when two lines are perpendicular then m1 into m2 equals to minus 1, matlab yahan pe dekho perpendicular mein kya karna hai, फॉर्मूला से नहीं करेंगे डायरेक्ट कर देंगे सेम ही आएगा, परपेंडिकुलर है एक का स्लोप 2/3 है तो दूसरे का क्या करना है, रेसिप्रोकल करो, 2/3 का रेसिप्रोकल इज 3/2 और पॉजिटिव है तो क्या लेना है नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, समझा, परपेंडिकुलर में क्या करना है रेसिप्रोकल कर दो और अपोजिट साइन कंसिडर करो, ठीक है, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, परपेंडिकुलर रहेगा सो व्हाट इज स्लोप ऑफ अदर लाइन, माइनस टू, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट मिडल गर्ल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3/2 देन व्हाट इज स्लोप ऑफ अदर लाइन, चुप बैठो, 2/3 और 3/2, 3/2,
सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल है, पैरेलल में स्लोप रहेगा, ठीक है. इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2, और परपेंडिकुलर में क्या करना है, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट साइन. बहुत आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ध्यान दो अभी. फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स when lines passing through 2, 3 and parallel to the coordinate axis. अभी जो हम लोग ने सम किया, अभी थोड़े सम्स है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ के करोगे तो ईजी, अदरवाइज डिफिकल्ट है. अभी तक हम लोग ने किया सम, उसमें कैसे था, इक्वेशन दिया था, एक लाइन का इक्वेशन था और दूसरे लाइन का इक्वेशन था, तो हम लोग ने u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट कंबाइन किया. बट यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन ही नहीं दिया, मतलब फर्स्ट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, सेकेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, फिर उसका कंबाइन होगा. अभी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन दिया, दैट लाइन्स पासिंग थ्रू द 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अभी एक लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर x एक्सिस को पैरेलल है, मतलब किसको इंटरसेक्ट होगा, y, सो एक लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू, y को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3, तो एक लाइन का रहेगा y इक्वल्स टू 3. अभी दूसरा लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहेगा. अभी y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x, x को कहाँ पे हो रहा है, 2, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 2. समझा, पहले हम लोग को सेपरेट इक्वेशन करना है, एक लाइन का मिल जाएगा, दूसरे लाइन का मिलेगा, फिर कंबाइन इक्वेशन करना है, ठीक है. नाउ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इस एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, वाई पे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इक्वल्स टू, वाई को कहाँ पे हो रहा है, 3, सो वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, एक्स पे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब सेपरेट इक्वेशन मिल गया. एक का क्या है, वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरे लाइन का एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सेपरेट इक्वेशन है, वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो कंबाइन इक्वेशन u क्या रहेगा, पूरा नहीं, सिर्फ u क्या रहे, और वी, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन हो गया. सो कंबाइन इक्वेशन इज यू इंटू वी इक्वल्स टू 0, सो यू इज वाई माइनस 3 इंटू वी इज एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई माइनस 2 वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0, लाइक टर्म्स नहीं है ऐसे, तो ये कंबाइन इक्वेशन रहे, समझा. देखो
Find the combined equation of pair of line passing through 2, 3 and perpendicular to the lines. अभी जो दो लाइन का, अभी ध्यान से सुनो, जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट लाइन्स आर पासिंग थ्रू 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू अदर लाइन्स. मतलब जो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका पहले सेपरेट इक्वेशन तो करना पड़ेगा, तो ही कंबाइन कर सकते हैं. अभी मुझे लाइन वन और लाइन टू का सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अभी कंडीशन क्या दिया है, पासिंग टू द पॉइंट, ठीक है, एक तो पॉइंट से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 3x + 2y - 1 = 0. पहले मुझे क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है. पासिंग टू द पॉइंट, अभी इक्वेशन के लिए कौन से फॉर्म थे, पहला था स्लोप पॉइंट फॉर्म था, ठीक है, हम लोग ने इक्वेशन ऑफ लाइन्स लिखे. मेरे पास पॉइंट है, अगर मुझे स्लोप मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा. अभी मुझे स्लोप कैसे मिलेगा, इसका मुझे स्लोप मिल जाएगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, -a/b, वो तीन फॉर्मूला है स्लोप के, बट थर्ड यूज होगा, क्यों, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax + by + c = 0, मतलब -a/b, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/2. बट मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो ये लाइन से परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा स्लोप, साइन चेंज, मतलब 2/3, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. क्या कर रहा है, समझा, रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए पहले सेपरेट इक्वेशन. रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन. तो अभी वो लाइन का जिससे परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन, उसका क्या फाइंड आउट किया, स्लोप, ठीक है. अभी परपेंडिकुलर है सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट साइन, सो -3/2 है, रेसिप्रोकल इज 2/3 एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग स्लोप 2/3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, कौन सा यूज होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = mx - x1, तो उससे इक्वेशन मिल जाएगा. समझा क्या कर रहे हैं, लिखते हैं पहले इतना. रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसका हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, और गिवन लाइन्स मतलब ये जो दिया रहता है, तो वैसे ही लिखने का तो इजी हो जाता है. रिक्वायर्ड लाइन पहले इसका गिवन लाइन का 3x + 2y - 1 = 0 कंपेयरिंग विथ ax + by + c = 0. सो a का वैल्यू क्या है, 3, b = 2, c = -1, सो स्लोप इज इक्वल्स टू -a/b - 3/2, ठीक है. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, नेगेटिव है पॉजिटिव. नाउ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग स्लोप 2/3, तो अब इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बाई यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = mx - x1. अभी ये x1 y1 किसको कंसिडर करेंगे, जहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, मतलब ये x1 y1 रहेगा और ये m स्लोप रहेगा, ठीक है.
So y minus y1 is 3m. Slope is 2 by 3. X minus x1 is 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 3 वाई माइनस 9 2 एक्स माइनस 4 सो 2 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0 सो 2 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन. ठीक है, अभी दूसरे लाइन का फाइंड आउट करना है. सेम ऐसे दूसरे लाइन भी क्या है, पासिंग टू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू अदर लाइन. मतलब पहले क्या करेंगे, इसका स्लोप, फिर रिक्वायर्ड लाइन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म. चलो अभी दूसरे लाइन का कर लेते हैं, फिर दूसरा तुम लोग करो. Now second line. Equation of given line. Second line is x minus 3y plus 2 equals to 0. Chalo. Comparing with. Jor se bolo, baki sabko bhi sunaye. A equals to. B equals to. C equals to. Slope is equals to minus 1. For what is formula? Minus 1 upon 3. Shrabi, required line is perpendicular to given line. Required line is perpendicular to given line. So slope of required line क्या रहेगा, इसका 1/3 है. सो रिक्वायर्ड लाइन का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1. सो 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव. नाउ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या था, 2,3 एंड हैविंग स्लोप -3. रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री था, एंड हैविंग स्लोप -3. अभी स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लास्ट में क्या आएगा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है. सो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या यूज हो, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म. y y1 क्या रहेगा, जहां से पॉइंट पास हो रहा है, मतलब x1 y1. m क्या है, माइनस 2. सो y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6. 3x plus y minus 3 minus 6 equals to 0. 3x plus y minus 9 equals to 0. ये second line का equation मिला, मतलब ये first line का equation हो गया, ये second line का separate equation हो गया. अभी combined equation, क्या था combined equation, so u equals to 0, b equals to 0. So for combined equation u into v equals to 0. u में क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 2x minus 3y plus 5 into 3x plus y minus 9 is equals to 0. Then 2 bracket multiplication. 10 marks के लिए नहीं आएगा. चलो करो.
मुझे आगे करना है यू इंटू वी. ठीक है, यू इंटू वी इक्वल्स टू जीरो. यू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन. टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो गया. सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट यहाँ पे सीधा बैठो. सेकेंड बेंच. So find the combined equation. Find the combined equation of pair of line. So find the combined equation of line passing through minus 1, 2. 1 is parallel to the line x plus 3y minus 1 equals to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equals to 0. मतलब दो required line है जिसका equation find out करना है. पहले हम लोग उसका separate equation find out करेंगे. Now first required line is parallel to the given line and second required line is perpendicular to the 2x minus 3y minus 1 equals to 0. अभी required line 1 और required line 2 दोनों का पहले क्या find out करना है, separate equation. चल second last. इसका given line x plus 3y minus 1 equals to 0, इसका slope क्या रहेगा, जोर से बोल. माइनस, हाँ मतलब माइनस. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी. मतलब ए क्या है, 1/3 माइनस 1/3. ठीक है, अभी आगे रिक्वायर्ड, ये गिवन लाइन का स्लोप है
माइनस वन बाई थ्री. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा? दोनों रिक्वायर्ड लाइन एंड गिवन लाइन पैरेलल है. पैरेलल है तो इसका माइनस वन बाय थ्री है, तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा? माइनस वन बाय थ्री. चल नेक्स्ट. अभी दूसरा लाइन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप क्या रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ए का वैल्यू क्या है? 2, और बी का वैल्यू माइनस 3. सो माइनस 2 अपॉन माइनस 3 मतलब 2/3. Now other line is perpendicular to given line. So what is the slope of other line? Required line. इसका slope given line का 2/3 है. Given line का slope 2/3 है. तो required line का क्या रहेगा? इसका reciprocal क्या होगा? और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा? माइनस 3/2. समझ रहे? चलो फर्स्ट टाइम इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. सो स्लोप इज इक्वल्स टू फॉर्मूला माइनस a अपॉन b. a का वैल्यू क्या है? माइनस 1, और b का वैल्यू 3. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन. ये गिवन लाइन से पैरेलल है तो दोनों का स्लोप भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज माइनस 1/3. स्लोप इक्वल रहेगा. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू माइनस 1, 2 एंड हैविंग स्लोप माइनस 1/3. सो इक्वेशन क्या आएगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1. रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू माइनस 1, 2 एंड हैविंग स्लोप माइनस 1/3. चल सेकेंड लास्ट कौन सा फॉर्म में रहेगा? सब्स्टिट्यूट कर. माइनस 1/3. ठीक है, पासिंग थ्रू x1 y1 कंसिडर करेंगे और m क्या है? स्लोप. स्लोप क्या है? माइनस 1/3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × y − 2 माइनस 1 × x + 1 ब्रैकेट ओपन 3y − 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1. अभी x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट टाइम का इक्वेशन हो गया. ठीक है, अभी वैसे ही दूसरे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन कौन सा है? 2x − 3y − 1 = 0. चलो कंपेयरिंग विथ a का वैल्यू सो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी मतलब माइनस 2/3.
Now required line is perpendicular to given line. Required line is perpendicular to given line. तो अभी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, सो रेसिप्रोकल 2/3 का 3/2 और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. नाउ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड हैविंग स्लोप -3/2 या तो फिर पक्का ना कि वो कट जाएगा. Required slope of required line -3/2. Now required line passing through -1, 2 and having slope -3/2. तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ बराबर है, बोल बोल. y y y1 क्या रहेगा? स्लोप x फॉर्मूले का माइनस एंड कोऑर्डिनेट इज -1, सो माइनस ऑफ माइनस +1 2 इंटू वाई -2 -3 इंटू एक्स +1 2y -4 -3x -3 3x +2y -4 +3 =0 3x +2y -1 =0. सेकेंड लाइन मतलब एक लाइन का सेपरेट हो गया, दूसरे लाइन का हो गया. अभी कंबाइन इक्वेशन के लिए u इंटू v =0 मतलब क्या आएगा? x +3y -5 इंटू 3x +2y -1 =0. चल u में क्या आएगा? u इंटू वी. u में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? रुक जा. इंटू इक्वल्स टू 0. चुप बैठो. बैठो. 3x² + 6y² लाइक टर्म्स है 2xy + 9xy 11xy -16x -13y +5 =0 इज द कंबाइंड इक्वेशन. समझा? हो गया? मेरे वाले इजी है सब. मेट्राइस इजी था, एलपीपी इजी है. लास्ट है शायद, लास्ट रहेगा ये. बोल. मैम आती है, मैम
क्या करना, खेलने का याद है चलो नेक्स्ट। हाँ तो 10 मिनट शाम शाम 2 मिनट का भी नहीं है। देखो यार बहुत ज्यादा वाली। फाइंड अ सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय बाबा मर जाएंगे। कर फैन ऑन कर। चलो अभी फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अभी ये कंबाइन इक्वेशन दिया है, मतलब u इंटू v इक्वल्स टू जीरो दिया है, जो कंबाइन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, और दो लाइन का सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेपरेट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फैक्टराइज से हो जाएगा, या तो कॉमन ले लो, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, या तो स्प्लिटिंग द मिडल, वैसे फैक्टराइज से करना है हम लोग। अभी यहाँ पे y कॉमन है, क्या आएगा 3y प्लस 7x इक्वल्स टू जीरो। सो सेपरेट इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू जीरो एंड 3y प्लस 7x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू जीरो, दूसरे लाइन का 3y प्लस 7x इक्वल्स टू जीरो। इसका वापस से u इंटू v से करोगे तो वापस से यही आएगा। ठीक है, सो कंबाइंड इक्वेशन दिया है, सेपरेट फाइंड आउट करना। अभी नेक्स्ट में 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये कंबाइन दिया है, कौन सा फैक्टराइज कौन सा कर सकते हैं अभी इसमें। रूट 5x द होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा रूट 5x प्लस 3y रूट 5x माइनस 3y इक्वल्स टू जीरो। सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा, रूट 5x प्लस 3y इक्वल्स टू जीरो एंड रूट 5x माइनस 3y इक्वल्स टू जीरो आर द सेपरेट इक्वेशन। होमवर्क में ये जो फॉर्मूले हैं वो 2 times लिख के आना, और नेक्स्ट लेक्चर आना चाहिए तब आ जाके 10 बार लिखोगे। कौन से फॉर्मूले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, वो स्लोप के और इक्वेशन ऑफ लाइन के, 2 times लिखना है और पढ़ना है। कल ही ना होमवर्क क्यों आपके लेक्चर में, पढ़ के आने का मेरे लेक्चर में होमवर्क कल ही। मेरे लेक्चर में मतलब नेक्स्ट सैटरडे तुम लोग को फॉर्मूले आने चाहिए। अभी वो तुम लोग डिसाइड करो, कल करना है, परसों, नर्सों, जो भी करना होगा, फॉर्मूले आने चाहिए।